हिंदुस्तान में लाइफ और लिबर्टी का कोई भरोसा नहीं है। कब आपको मार दिया जाए, कब आपको कैद कर दिया जाए, कोई भी गारंटी नहीं है। टेररिज्म के नाम पर जो केसेस बनाए गए, ख़ासतौर से मुसलमानों पर, सिमी के नाम पर जो केसेस बनाए गए और वो केसेस बाद में आगे चलकर एक्विट हो गए, लोग बाइज्जत बरी हो गए, तो उन सारे केसेस के अंदर जो लोग गिरफ़्तार हुए थे या परेशान हुए थे, जिनकी नौकरियां गई, जिनकी ज़िंदगी के 10-10, 15-15 साल जो है बर्बाद हुए, तो उन सारे लोगों की स्टोरीज़ को एक साथ जमा करना था, उनके जजमेंट को एक साथ जमा करना था और वो हम कर रहे हैं। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिन्हें दहशतगर्दी के एक झूठे केस में महाराष्ट्र एटीएस ने फंसा दिया था। मेरे दिल में ये था कि भाई जिस तरह हम सफ़र हुए हैं, दूसरे लोग सफ़र ना हो, झूठे केसेस में ना फंसे। अगर खुदा ना खास्ता अगर फंस जाते हैं तो उनको क्या क्या करना है, उनके राइट्स क्या क्या है। कानून की जो मोटी मोटी बुनियादी बातें भी हम नहीं जानते थे और उसके ना जानने की वजह से हमने बहुत धोखा खाया, हमको अंधेरे में रखा गया, हमसे कोरे कागजात पे दस्तखत ली गई, लिखे हुए कागजात पे दस्तखत ली गई, कन्फेशन स्टेटमेंट पे दस्तखत ली गई, हमको जब टॉर्चर किया गया तो कब कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है और कोर्ट के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या लिख कर देना है, क्या नहीं लिख कर देना है, यानी ये बुनियादी बातें हमको नहीं थी। तो हमको बहुत फील होता था कि अरे यार ये अगर बुनियादी बातें हमको मालूम होती, कोई बता देता या कहीं पढ़ लेते या कोई स्टोरी सुन लेते तो शायद हम इसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते थे। जितना हम गहराई में डूब गए, फंस गए इस केस के अंदर, शायद उस गहराई में ना फंसते। और यही एहसास अब भी है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर आम लोगों तक पहुँचे अच्छे अंदाज़ में, आम उर्दू और आम हिंदी की ज़बान में अगर लोगों तक पहुँचे और हर शख्स देखे इसको, अपने कानून के हक़ को अगर वो देखे और इस्तेमाल करे, तो हो सकता है कि पुलिस के जो मजालिम है या पुलिस का जो टॉर्चर है या पुलिस की जो अत्याचार है वो उसको कम भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि UAPA के तहत इतने लंबे पीरियड तक लोग कब तक कैद रहेंगे और कब तक इस तरह के झूठे मुकदमे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पर बनते रहेंगे, और क्या ये वक्त नहीं आया कि UAPA को पूरी तरह से ख़त्म करने की पुरजोर जो है वकालत की जाए। हमारा कोई स्टूडियो वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने एक सेकेंड हैंड जो है ट्राईपोड ख़रीद लिया है। मेरा जो मोबाइल है सैमसंग का, वो मैं उस पर रिकॉर्ड करता हूँ। हमारे एक दोस्त है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा ये एक आइडिया है, उनका मशवरा लेकर के तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए, तो बेचारे वो भी फी सबीलिल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आ जाते हैं, वही ट्राईपॉड लगाते हैं। पीछे एक हरा कपड़ा हमने ख़रीद लिया 20-25 रुपये का, उसको बांध दिया और रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हम मोबाइल पर ही उसको एडिटिंग करते हैं, हमारे दोस्त माजिद भाई, और इस तरह से हम जो है उसको अपलोड कर देते हैं। तो कोई हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हैंड्स नहीं है कि जो इसको कर सके। जो दो लोग मिल कर के आज कर रहे हैं और हफ्ते में एक वीडियो हम निकाल पा रहे हैं, हमको कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह है ना, हम मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे। इनका पूरा नाम है मोहम्मद कलीम तौफीक अहमद सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक अहमदाबाद गुजरात से है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इनके खिलाफ कितने झूठे केस बनाए और किस तरह वो इन झूठे केसेस से बाहर आए। एक इमेज जो माइनॉरिटीज़ की या मुसलमानों की जो बना दी गई है कि ये दहशतगर्द है या इनके अंदर दहशतगर्द पाए जाते हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। हम इसके ज़रिए से पुलिस की जो मेंटेलिटी है, हम उसको भी एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पुलिस माइनॉरिटी को निशाना बनाती है। किसी के घर में कुरान मिल गया या किसी के घर में उर्दू शायरों की किताबें मिल गई, तो उसको भी उन्होंने जो है जिहादी लिटरेचर के नाम से उसको मंसूब किया और उसकी बुनियाद पे जो है केसेस बनाए।
सिर्फ पुलिस वालों की गवाही से बेगुनाहों को फंसाने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ऐसा अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत जल्दबाज भी हो, कि कल जो काम कल करना है, मैं कहता हूँ नहीं, आज करो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आपने कर लिया तो आप सक्सेसिव, कल की कोई गारंटी नहीं है। और मेरे पास, मेरे ऊपर तो पुलिस की नज़र है, पुलिस लगी हुई, मुझे नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में मेरे साथ पुलिस क्या करेगी, या कोई और झूठे मुकदमे मुझे अंदर डाल देगी या इनकाउंटर करेगी या कुछ और करेगी, मैं नहीं जानता। तो मैं आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचेगा। हाँ, लेकिन उम्मीद और हौसला ये है कि जब तक है काम करना है, हक की आवाज़ बुलंद करनी है, और जहाँ तक इसको अल्लाह ताला ले जाना चाहे ले जाए। Thank you.